के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा टाइम भी कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब आपको अच्छे से याद नहीं है, अच्छे से आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने एक बात बोली कि ब्रेन तो आपका जो हैंड कोऑर्डिनेशन है वो इतना स्विफ्ट होता है, आपको पता रहता है क्वेश्चन देखते ही आपको लिखना होता है, आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं रहता है, सांस लेने का टाइम रहता है, आई मीन टू से कि आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बैठकर एनालाइज करने वाली सिचुएशन में ही रहते हैं, देखते और फटाक से आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जो मैंने एक बात बोली कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्वेश्चन देखा, हमने उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिया, हमने देख लिया ये सारी चीजें और उसके बेसिस पे हम उसको कैसे इंटरलिंक करके उसका एक आंसर या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब इसके लिए आपका नोट में इससे आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी नोट मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इस पर मैं अभी जब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तब बताऊंगी, ठीक है। तो स्पीड के लिए तो आपका रिविजन प्रॉपर होना जरूरी है। रिविजन के लिए जैसा कि सबने बताया कि आपको रोज डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज है ना, या आपका जो भी जिस भी तरह से आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो उसको, जैसे कुछ चीजें हार्ड पॉइंट्स है तो आपको बार बार उसे देखना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंस्ट्रूमेंटल था मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि टेस्ट होते थे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी और बहुत ज्यादा रिवाइज करने का टाइम मिलता था। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आपका रिविजन प्रॉपर है और बाकी कंटेंट वाइज आपकी नोट मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।